लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण में हुई सुहाग नगरी। जी हां, राधा कृष्ण मंदिर स्टेशन रोड स्थित शांति राम मंदिर सहित कई मंदिरों पर सजी आकर्षक झांकियां। और बता दें, चलते चलते लोगों ने किया मंदिर में दर्शन। ज्यादा भीड़ नहीं लगाई लोगों ने मंदिरों में और घरों में पूजन की तैयारियां की। सुहाग नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भी कान्हा की भक्ति की स्वर लहरियां गली गली क्षेत्र क्षेत्र मंदिरों व घरों में गूंजती रही। क्योंकि इस दिन नंदोत्सव है तो जहां मंदिरों पर आकर्षक झांकियां सजाई गई तो घरों में भी मिट्टी के खेल खिलौने आदि सजाए गए। कईयों ने उपवास भी रखा। हालांकि कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष जैसा उत्साह नजर नहीं आया, पर फिर भी किसी भी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। बताते चले, शहर के राधा कृष्ण मंदिर पर भी आकर्षक झांकी इस जन्माष्टमी पर्व पर सजाई गई, जिसके दर्शन करने आने को श्रद्धालु उमड़ते रहे। इसके अलावा शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री सीताराम मंदिर पर भी आकर्षक झांकी सजाई गई। अन्य मंदिरों जैसे श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर व हनुमान मंदिर गोपाल आश्रम सहित कई मंदिरों पर आकर्षक साज सज्जा की गई। सभी लोग कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे थे। घरों में भी पूजा पाठ की सारी तैयारियां कर ली गई थी कि कब कान्हा का जन्म हो और कब पूजा पाठ करने के साथ जिन लोगों ने उपवास रखा है वे अपने व्रत को तोड़ें। फिलहाल सुहाग नगरी पूरी तरह कृष्णमय नजर आ रही थी। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भैया, किस तरह की तैयारी है और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? मंदिर को पहले से भी बेहतरीन सजाया गया है, भव्यता दी गई है बैलूनों द्वारा और पुष्पों के द्वारा। हरित वृक्ष लगे हुए हैं और लाइटिंग भी है बढ़िया तरीके से। इसको मंदिर को पहले से भी भव्य तरीके से सजाया गया है, लेकिन कोरोना की जो बीमारी है उसके कारण थोड़ी भीड़ भाड़ कम है। उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमको तो सेवा से मतलब है, सेवा कर रहे हैं और सेवा के ही रूप में भगवान का जन्मदिन मनाएंगे और रात्रि को 11:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद हम महाआरती होगी 12 बजे। तत्पश्चात प्रसाद वितरण के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान जाएंगे। इसमें केवल मंदिर कमेटी के लोग ही भाग ले रहे हैं और हम स्वयं सेवक लोग। रवि कुशवाहा की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोषी राठौर उपसभापति नगर निगम संजय राठौर की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संध्या श्रीवास्तव मनोज दीक्षित सीजे स्टोर की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।